सीएम मनोहर लाल पंचकुला पहुंचे, जहां उन्होंने किसान भवन में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। आपको बता दें, पंचायती राज ग्रामीण विकास की समीक्षा बैठक में भी शिरकत की। साथ ही कृषि मंत्री ओपी धनखड़ भी कार्यक्रम में पहुंचे। कृषि मंत्री ने कहा कि समीक्षा बैठक में ग्रामीण विकास से संबंधित सभी अधिकारियों व ओहदेदारों को बुलाया गया है, जिसमें पिछले कार्यों की समीक्षा की जाएगी और आगामी समय में कार्य को किस प्रकार गति दी जाए, इस पर भी चर्चा की जाएगी। अशोक अरोड़ा ने इनेलो छोड़ भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर पूछे सवाल पर धनखड़ ने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि कुछ नेता दूसरी पार्टियां छोड़ बीजेपी में आए हैं और कुछ हमारे संपर्क में भी हैं। पंचकुला एरिया में धड़ल्ले से माइनिंग हो रही है, इस पर पूछे सवाल पर धनखड़ बोले, एरिया का विवरण दो, तुरंत अधिकारी को निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने निजी तौर पर पिंजौर इलाके में छापेमारी किए जाने की बात भी कही। एक मिनट रुक जाओ राजू, आओ जल्दी आए एक बार। राजू साहब, जिस तरह से चक्की दादरी में एक हादसा हुआ, तो मौत हो गई, क्या कुछ सरकार द्वारा उनके लिए किया जा रहा है? देखिए लोकल नहीं चक्कर आशीष, थोड़ा फोन नहीं चक्कर जिले में भी एक किसान देख देखते लोग नीचे इधर लोगों चुप रहे ना। जिस तरह से पंचकुला में जो माइनिंग है उसको लेकर भी काफ़ी बार मुद्दे उठे हैं, खासतौर पर बुर्ज कोर्ट या चंडी मंदिर इस तरफ, और जब आपके द्वारा सख्ती की गई तब वैसे तो नाके लगते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट माइनिंग डिपार्टमेंट के, लेकिन नाके हटने के बाद फिर से वो माइनिंग शुरू हो जाती है। जिसको भी कोई ऐसी जानकारी मिले मुझे व्हाट्सएप करें, तुरंत विभाग कर रहा है। हम चाहते हैं कि बिल्कुल भी कोई भी एक नहीं उठाए, लेकिन इतना बड़ा सिस्टम हमारे पास नहीं होता है, आज नहीं होता जो सब जगह चौकसी कर सके, इसलिए क्योंकि रेट और मिट्टी तो सब जगह ही भरी होती है, इसलिए जहाँ भी कहीं भी मीडिया के लोगों को ध्यान में आता है, आप जो भी जानकारी दीजिएगा तुरंत विभाग के सुनिए। हम लोगों ने हरियाणा में वैसे तो बहुत विभागों में बहुत दायरों के हिसाब से नए नए काम किए हैं। ग्रामीण विकास की दृष्टि से एक नया काम जो हमने किया 6 महीने पहले, बल्कि साल भर पहले इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हमने बनाई, जिसके अंदर जिला यानी जो स्थानीय निकाय हैं, शहरी हो अथवा ग्रामीण हो, और प्रदेश सरकार के बीच में एक तालमेल समन्वय ठीक बैठा रहे और तालमेल समन्वय ठीक बैठा रहे तो उसकी आज तीसरी मीटिंग थी, खास करके ग्रामीण क्षेत्र की। जिला परिषदों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्तता, ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स हम दे सकें और फिर उनकी यूटिलाइजेशन की क्षमता, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, ये काम भी हम कर रहे हैं। उनके अधिकारी ये अलग से हमने तय कर दिए हैं, CO जिला परिषद ये अलग अधिकारी होगा, BDC अलग होगा, और ऐसे ही CO जिला परिषद के पास CO DRDA इसका भी चार्ज होगा। DRDA की स्कीम में अब सीधे जिला परिषद चेयरमैन और CO जिला परिषद और DRDA ये मिलकर के देखेंगे और इनको डायरेक्ट फंडिंग डिपार्टमेंट से कराई जाएगी। लगभग हर जिले को 20 से 25 करोड़ रुपया हर वर्ष ये हमने बजट बनाने के लिए कहा है, जैसे वो बजट बनाएंगे उस हिसाब से मंत्री करें और काम भी कराएंगे। इससे जनता को ज़्यादा से ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होने के कारण से कामों के नाते से ज़्यादा लाभ हो सकेगा। जैसा हम कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, उसको भी पता चलेगा और अच्छा।